कमिसपुर नाम के एक गांव में सन्नी नाम का एक व्यक्ति रहता है। सन्नी असल में एक साइंटिस्ट है और हमेशा अपने लैब में ही रहता है, इसलिए उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है। मैं काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने भाई के घर रहने के लिए जाना ही होगा, वरना मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसे कहते हुए सन्नी अपना सामान बांधकर अपने भाई कीलू के घर जाता है। सन्नी को देखकर उसका भाई कीलू भी बहुत खुश होता है। अरे मेरे भाई, कितने दिनों बाद मिले हो। कैसे आना हुआ तुम्हारा? इस भाई की याद कैसे आ गई? सन्नी तब अपने भाई को उसके वहाँ पर आने की वजह बताता है। कीलू खुश होता है उसके भाई के आने की चाहे कोई भी वजह हो। कीलू एक दूध का व्यापार है, इसलिए उसके पास कुछ गायें भी है, लेकिन सन्नी को गायें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उन्हें देखते ही चिढ़ जाता है और डर भी जाता है। भाई, आप अपने गायों के साथ काम खत्म कर लो, तब तक मैं गांव में तेल कर आता हूँ, काफी दिन हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना, गांव में ऐसे बहुत सी गायें घूमते हैं। ठीक है कहकर सन्नी गांव में इधर उधर घूमने के लिए जाता है। तभी उसे एक बहुत ज्यादा मोटी गाय नजर आती है। सन्नी उसे देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाता है और ऐसे कहता है, इस गाय को तो देखो कितनी मोटी है, ये तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। सन्नी की बातों से पास में ही खड़े उस गाय के मालिक को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी गाय को सन्नी के पीछे लगा देता है। वो गाय इतनी मोटी होने के बावजूद भी सन्नी से तेज भाग रही थी। अरे ये क्या कर दिया मूर्ख इंसान, इसे मेरे पीछे क्यों लगा दिया? बचाओ कोई, मुझे बचाओ। ऐसे कहते हुए सन्नी सीधे अपने भाई के घर भाग जाता है और बच जाता है। लेकिन सुकून की तलाश में आए हुए सन्नी को अब उस गाय और उसके मालिक से बदला लेने का शौक चढ़ता है। मुझ जैसे महान साइंटिस्ट को इस गांव के गोबर से गलियों में भगा दिया था ना, अब देखना मैं अपना आविष्कार से क्या करता हूँ। ऐसे कहते हुए सन्नी उस दिन रात को चुपके से जाकर उस मोटी गाय को एक ऐसा इंजेक्शन देना चाहता है जिससे उस गाय को बिल्कुल छोटा हो जाना था, लेकिन उसका असर उल्टा होता है और सुबह तक धीरे धीरे बड़ा होता है। सुबह होने तक वो गाय दो हाथियों से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। उसे देखकर उसके मालिक की सांस गले में ही अटक जाती है। ये क्या हो गया है मेरे गाय को? कल रात तक तो ठीक ही थी, अब ये एक दनव कैसे बन गई है? ऐसे कहते हुए वो गाय वाला डर कर भागने लगता है और वो मोटी विशाल गाय अपने मालिक के पीछे पीछे जाती है। वो देखकर गाय वाला और भी ज्यादा डर जाता है। ये मेरा ही पीछा क्यों कर रहा है? है ऊपर वाले, बचा ले मुझे इस राक्षस से। ऐसे कहकर भाग रहा वो गाय वाला कीलू के घर तक पहुंचता है और वहाँ पर खड़े कीलू और सन्नी को उसके साथ सुबह से जो हो रहा है वो सारी बातें बताता है। उसकी बातें सुनकर सबसे ज्यादा अब सन्नी को घबराहट होने लगती है। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे कितनी बड़ी गलती होने वाली थी,
शुक्र है मैं बच गया। सन्नी की ये बात सुनकर केलू और उस गाय वाले दोनों का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ये तू क्या कह रहा है भाई? इस गाय को इतना बड़ा बनाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, और कह रहे हो तुम्हें अच्छा काम किया है। सन्नी अपने भाई से कहता है कि वो दवाई उसने जिस गाय को दी है, वो दवाई एक बहुत बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनी को देने वाला था। वो अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया के आधे से ज्यादा लोगों का यही हाल होता। ये तो सच में ही अच्छी बात है, लेकिन अब इस गाय को कैसे ठीक करना है? इसे ठंडे पानी से नहाने पर ये फिर से पहले जैसे हो जाएगी। चलो मेरे साथ, इसे तालाब में लेकर जाते हैं। ऐसे कहते हुए सब मिलकर उस गाय को तालाब के पास लेकर जाने की कोशिश करते हैं। स्थानपुर नाम के एक गांव में विमल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी विमला और बेटे विशाल के साथ रहता है। विमल अपनी बैलगाड़ी पर इधर से उधर सामान पहुंचने का काम करता है और अपनी आधी कमाई से बेटे को पढ़ाता है। मुश्किल हो रही है तो रोक देते हैं ना जी, जितनी पढ़ाई कर चुका है उतने काफी है। की हुई पढ़ाई से जो काम कर सकता है वो कर लेगा लड़का। आज मुश्किल हो रही है कहकर पीछे हट जाएंगे तो बाद में हमें दुख और बच्चे को परेशानी होगी विमला। इसीलिए मुसीबत आए या मुश्किल हो, बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ऐसे चाहे कुछ भी हो जाए, विमल अपने बेटे की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने देते हैं। विशाल भी मन लगाकर पढ़ाई करता है और अच्छी नौकरी करके खूब पैसे कमाकर खुद का व्यापार शुरू करता है। आप भी एक तरह से ट्रांसपोर्ट का ही काम करते थे, इसीलिए आपके सामान के लिए मैं भी ट्रांसपोर्ट का ही व्यापार शुरू किया है पिताजी। विमल को यहाँ तक अपने बेटे की बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद विशाल जो कहता है वो सुनकर विमल की खुशी गुस्से और अपमान में बदल जाती है। लेकिन मैं अपने काम पूरे मॉडर्न तरीके से करता हूँ, बड़ी और तेज भागने वाली गाड़ियों से। आपके बैल में ऐसा करने की एक प्रतिष्ठित उम्मीद भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि आजकल की प्लास्टिक और लोहे की गाड़ियाँ सदियों से चल रही हमारी बैलगाड़ियों से बेहतर है? ऐसे दोनों बाप बेटे की बहस बढ़ती जाती है। विशाल कहता है विमल के बैल एक साधारण बाइक को भी चुनौती देने लायक नहीं है, और विमल कहता है कि उसकी बाइक को एक बैल यूं ही हवा में उठाकर फेंक देगा। ऐसे उनकी बड़ी बड़ी आवाजें सुनकर विमला वहां पर आकर ऐसे कहती है, बस करो तुम दोनों बाप बेटे अपने ये बेकार की बातें। बाइक अपनी जगह पर ठीक होगी और बैल उसकी जगह पर ठीक है, उन दोनों के लिए आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? ऐसे कहते हुए विमला कहती है कि गांव में उन दोनों बाप बेटे को देखकर उसके बाप बेटे सीख लेते हैं, उससे सीखने को कहता है लोग, और अब अगर ऐसे झगड़ते हुए देखेंगे तो वो सब क्या सोचेंगे। विमला की ये बात सुनकर दोनों बाप बेटों को एक और उपाय सोचता है, बैल या बाइक बेहतर है ये साबित करने के लिए। ये बात यहाँ पर खत्म होने वाली ही नहीं है। अपनी बाइक को जितना रिपेयर कर सकता है कर ले, और उसमें जितना तेल डाल सकता है डाल दे। दो दिन बाद गांव में हमारी बैल से तुम्हारी बाइक का मुकाबला होगा। आप भी अपने बैल को जितना घास डाल सकते हैं डाल दो, आखिरकार एक जीव ही तो है, थक जाएगा। उनकी बातें सुनकर सर पीटने लगती है विमला। घर की बात घर में खत्म करने की कोशिश करने पर
दोनों बाप बेटे गांव में प्रतियोगिता करना चाह रहे हैं कहकर। ऐसे विमल गांव के बड़े लोगों को प्रतियोगिता के बारे में बताता है और विशाल अपनी उम्र के लोगों को प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए फिरता है। अरे रंगा, मेरा बेटा का दिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी पढ़ाई उसका सिर में इतना घुस गया है कि उसने जिंदगी में पहली बार मुझसे बहस की है, वो भी एक बैल से बाइक को बेहतर है कहकर। मेरे बेटा का भी यही कहना है विमल, मैं तुम्हारे साथ हूँ इसमें और हमारे जैसे सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। ठीक है कहकर विमल अपने ऑडियंस इकट्ठा करता है और विशाल अपनी ऑडियंस इकट्ठा करता है। ऐसे उनका चैलेंज स्टार्ट होता है। विशाल एक तरफ से रस्सी बांधकर, विमल दूसरी तरफ से अपने बैल को रस्सी बांधकर, दोनों बाप बेटे मिलकर बैल से बाइक को और बाइक से बैल को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। ऐसे काफी देर तक चलता है। बैल थाने लगता है और बाइक का भी पेट्रोल खत्म होने लगता है। विशाल अपनी बाइक का पेट्रोल खत्म होने से तो बच नहीं पाता है, लेकिन विमल अपनी बातों से बैल का जोश बढ़ाकर उस चैलेंज में जीत जाता है। आखिरकार आपने साबित कर ही दिया है पिताजी, मैं गलत था और अब सही थे कहकर। मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था बेटा, मैं तुम्हें बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि नए दौर से कुछ भी आने से पुराने दौर को भूल नहीं जाना चाहिए। नए चाहे जितने भी अच्छा क्यों ना हो, पुराने से हमेशा लगाव लगा ही रहता है। विशाल को अपने पिता की बात अच्छे से समझ में आती है। वो अपने पिता से माफी मांगकर ये बेहतर है वो बेहतर है कहे बिना चुपचाप अपना काम करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं।